अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद याकूब। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ आज का एक ताज़ा वाकया जो आज मेरे साथ पेश आया। फ्रॉड की एक दास्तान, धोखाधड़ी की एक दास्तान जो मैंने आज फेस की, और मैं चाहता हूँ कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप अपने दोस्तों और अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम अपने इर्द गिर्द दूसरे लोगों को किसी भी फाइनेंशियल या सोशल लॉस से बचा सकें, किसी बड़े हादसे, किसी बड़ी परेशानी से बचा सकें। वह ये कि आज सुबह मैं बैठा था और 10-11 बजे मुझे कॉल वसूल हुई एक नंबर से। बार बार मेरे अननोन नंबर से मेरे मोबाइल पे कॉल आ रही थी, जो कि मैं बिज़ी था, मैंने कुछ टाइम के बाद उसको अटेंड कर लिया। तो दूसरी तरफ से एक साहब बोल रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि ये आप अपने भांजे से बात कर लें, और उन्होंने एक बच्चे को जो शायद 15-16 साल का था उसको वो उन्होंने फ़ोन पकड़ा दिया और उस बच्चे ने रोने वाली आवाज़ में उसने कहना शुरू किया कि मामू मैं इस वक्त सख्त मुश्किल में फंस गया हूँ, मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और आप प्लीज़ एक दफ़ा मेरी जांच करवा दें, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा, आपको दोबारा इस शिकायत का मौका नहीं दूँगा, प्लीज़ घर वालों को मत बताइएगा, मामा को मत बताइएगा। तो वो बच्चा रो रहा था और मुझे अचानक समझ नहीं लगी कि ये बच्चा, क्योंकि 2-3 सेकंड उस बच्चे ने मेरे साथ बात की और इतनी जल्दी में मैं उसको पहचान नहीं सका। तो मैंने उसने फिर दोबारा वो जिस बंदे ने स्टार्ट में कॉल की थी उसने दोबारा उससे मोबाइल पकड़ लिया और उसने कहा कि ये बच्चा इस वक्त हम फैसलाबाद में सदर थाने से बात कर रहा हूँ और SHO अयूब अंसारी का नाम लिया और ख़ुद वो अपने आप को मुहर्रर बता रहा था, तारिक हुसैन डोगर, कि जी मैं इस थाने का मुहर्रर हूँ और ये बच्चा एक क्रिमिनल एक्टिविटी में पकड़ा गया है और ये इसके दोस्त के साथ ये यहाँ फैसलाबाद आया था और दोस्त ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की थी तो ये उसमें शामिल तो नहीं था, लेकिन क्योंकि ये उसके साथ सफ़र करके फैसलाबाद आया था और ये उसी एरिया में करीब में मौजूद था तो इसलिए उस लड़के के बताने पे हमने इसको पकड़ लिया। लेकिन हमने जो अब तक बातचीत की है तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये बच्चा मासूम है और अपने दोस्त की वजह उसके साथ आया है। तो हम नहीं चाहते, क्योंकि उसने कहा जी मेरे अपने बच्चे हैं, मुझे इस बच्चे पर बड़ा तरस आ रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि ये बच्चा किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में जाए और इसका एजुकेशन का लॉस हो या फैमिली में सोशल लॉस हो। तो उसने इस तरह की बात की, मैंने कहा जी आप मेरे बच्चे से दोबारा बात कराएं। उसने दोबारा बच्चे को फ़ोन पकड़ाया और बच्चे ने फिर वही रोना शुरू कर दिया, प्लीज़ मेरे घर वालों को मामू मत बताइएगा और मैं प्लीज़ दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, इस दफ़ा सिर्फ मेरी जान छुड़वा दें। तो मैंने उस बच्चे से, मुझे जो लगा क्योंकि वो बच्चा रो रहा था, मुझे पहचाना नहीं जा रहा था, तो मैंने अपने भांजे का नाम लेके पूछा कि तुम वो बोल रहे हो? उसने कहा जी मैं वही बोल रहा हूँ। और इतनी देर में दोबारा उस बंदे ने उस बच्चे से फ़ोन पकड़ लिया और फिर उस बंदे ने वही बहुत जल्दी में हरी नस में वही बातें बार बार दोहराया जा रहा था जो पहले कई दफ़ा मुझे बता चुका था। तो मैंने उससे कहा यार बात बहुत लंबी आप कर रहे हो, आप मुझे बताओ क्या करना, क्या आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्चे को, अगर आप कुछ, क्योंकि मेरे SHO पैसे मांग रहा है, वो कह रहा है कि जी अगर आप पैसे दे दो तो हम बच्चे को इस लीगल केस से अलहदा कर देंगे। तो मैंने कहा कितने पैसे चाहिए? उसने कहा जी 1.5 लाख रुपए SHO साहब मांग रहे हैं। मैंने कहा यार 1.5 लाख तो बहुत ज़्यादा है। उसने कहा जी, उसने फौरन कहा जी मैं तो सैयद ज़्यादा हूँ, मेरा सैयद घराने से ताल्लुक है, मैं इस पैसे में कुछ नहीं ले रहा, ये SHO की डिमांड है, जितने पैसे आएंगे मैं SHO को दे दूँगा, बल्कि वो SHO साहब के 2-3 नंबर हैं तो ये आप उन नंबरों पर ये 50,000 करके ट्रांसफ़र कर दें तो हम इस बच्चे को फौरी तौर पर अपने थाने से निकाल के इसके घर की तरफ रवाना कर देंगे ताकि जो भी नेक्स्ट कार्रवाई हो बच्चा थाने में मौजूद ना हो। और वो बार बार इंसिस्ट मुझे फ़ोन बंद करने नहीं दे रहा था। मैंने कहा ठीक है यार मुझे टाइम दो, मैं पैसे अरेंज करके आपको कॉल करता हूँ। लेकिन वो बजिस्ता कर रहा था कि फ़ोन नहीं आपने बंद करना, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, 10-15 मिनट में SHO साहब दोबारा आ जाएंगे तो फिर मुझसे पूछेंगे तो फिर मुझे बच्चे को शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा, इसलिए आप फ़ोन बंद ना करें, आप जल्दी से पैसे ट्रांसफ़र करें ताकि इस बच्चे को मैं थाने से निकालूं और बस पर बिठा के इसके घर रवाना कर दूं। तो जिस तरह बहरहाल मैंने उससे कमेंट किया मुझे कॉल बंद करोगे तो मैं कहीं से पैसों का अरेंज करूँगा, और मैंने उसकी कॉल बंद की और उसके बाद फिर फौरी तौर पर मैंने अपने तरीके से घर फोन किया और मैंने कंफर्म किया कि बच्चा घर में मौजूद है। जब मुझे अच्छी तरह तसल्ली होगी, मेरी घर भी बात होगी, बच्चे से भी बात होगी,
तो फिर मुझे बात समझ लगी कि ये लोग मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी देर 10 से मेरे ख्याल 5 से 7 मिनट बाद उस बंदे की दोबारा कॉल आ गई कि सर आपने पैसे अरेंज कर लिए। मैंने कहा यार मैं पैसे अरेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टोरी समझ गया था। फिर ये सिलसिला कोई 1.5 घंटे तक चलता रहा। 1.5 घंटे तक मैं उनको कहानियाँ सुनाता रहा, वो हर 5 से 7 मिनट बाद मुझे कॉल करते रहे और मैं उनको एक टाइम गेन करता रहा उनसे। कोई 1.5 घंटे बाद वो बंदा जब जिद हो गया ना, उसने कहा जी आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपका नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा यार मैं क्या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो पैसे अरेंज कर रहा हूँ और आप मुझे नुकसान, हमारी डील हो गई है और आप मुझे धमकियां दे रहे हो। कहते जी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ये बच्चा आपका फंस जाएगा और फिर आपको उतने ही पैसे अदालतों में लगाने पड़ जाएंगे। और उसने थोड़ी सी टोन चेंज कर ली। जब उसने टोन चेंज कर ली, मैं तो पहले 1.5 घंटे से इंजॉय कर रहा था, तो फिर मैंने भी टोन चेंज की और फिर मैंने जिस लहजे में उससे बात करनी चाहिए थी मैंने फिर उसी लहजे से उससे बात की, तो उसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। तो इस सारे वाक्य आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि आप ये अपने इर्द गिर्द लोगों से शेयर करें, क्योंकि आज आजकल इस तरह के वाक्यात हो रहे हैं कि कोई आपको हॉस्पिटल से, कोई थाने से या कोई किसी ऐसी जगह से कॉल करके आपको कॉल करता है और आपको इतना प्रेशराइज करता है और आपको फ़ोन बंद करने, एक उनमें ये होता है कि वो फ़ोन कोशिश करते हैं कि आपकी कॉल मत कटे। क्योंकि मुझे भी वो सारे 1.5 घंटे में यही बार बार, सर आप कॉल ना काटें, आप काइंडली जल्दी से पैसे ट्रांसफ़र करें, आप कॉल नहीं काटें, टाइम नहीं है मेरे पास क्योंकि मैंने दूसरे काम भी करने, तो आप पैसे ट्रांसफ़र करें। वो सिर्फ इस चीज़ पर इंसिस्ट कर रहा था और मैं भी 1.5 घंटा उससे टाइम गेन करता रहा। इस तरह अगर आपको कभी कोई कॉल आए और कोई आपको इंसिस्ट करे कि आप फौरी तौर पर पैसे ट्रांसफ़र करें, तो आप बिल्कुल होल्ड योर हॉर्सेस, आप तसल्ली से पहले अपना चेक कर लें जो वो आपको स्टोरी सुना रहा है या जिस बंदे का जिक्र कर रहा है। और यकीनन आपकी फैमिली में से किसी बंदे का जिक्र कर रहा होगा कि या तो वो हॉस्पिटल में है या वो थाने में है, तो आप प्लीज़ पहले अच्छी तरह कन्फर्म कर लें कि वो बंदा कहाँ पे अवेलेबल है, उसको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है भी कि नहीं, और अदरवाइज आप किसी भी ट्रैप में मत फंसें और कोशिश करें कि आप फौरी तौर पर टाइम गेन करें, उसको पैसे ट्रांसफ़र ना करें। किसी भी सूरत में पैसे ऑनलाइन गैस कैश ट्रांसफ़र ना करें। आप उसे कहें कि जी आप वेट करो, आप जगह करता हूँ, मैं वहाँ पैसे लेके आता हूँ, मैं आपको पैसे दूंगा और वो जो भी बंदा आपका फैमिली मेम्बर है मैं उससे मुलाकात करूँगा या मैं जो भी आपसे डील करूँगा। तो ये वाक़ात आप अपने इर्द गिर्द लोगों से भी शेयर करें ताकि हम अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द, अपने जानने वालों में, अपने फैमिली में किसी भी को भी किसी बड़ी मुश्किल से बचा सकें। जज़ाकअल्लाह।